एक दोस्तों एक वहीं होशियारपुर में हम एक आखिरी फॉर्म पर आए हैं, जहाँ लगभग 3.5 महीने का हुआ है, पौधे लगे हुए हैं। लेकिन सबसे मज़े की बात है कि जैसे मैं लोगों को कहता हूँ कि इंटर क्रॉपिंग करिए, हालांकि हम कहते हैं 1 साल बाद इंटर क्रॉपिंग करिए, लेकिन इन्होंने रिसर्च किया इसका और इसमें मूंगफली मूंगफली है ना, हाँ जी मूंगफली, मूंगफली लगाया हुआ है। तरह से दिखाएंगे इसमें मूंगफली, एक एक कोई निकाल करके इस तरह से चीजें, देखिए ये इंटर क्रॉपिंग में मूंगफली, ऐसे कर दें ग्रेट ग्रेट। लागे करके देख रहे हैं। यानी अगर ये बिना सागवान के भी मूंगफली अगर बोते हैं तो इतना ही प्रोडक्शन होता, उससे कम प्रोडक्शन नहीं है इंटर क्रॉपिंग में। तो मैं लोगों को इसलिए मैं कहता हूँ कि इंटर क्रॉपिंग में आप करिए, इंटर क्रॉपिंग से आपका खेत का खर्चा सारा चीज़ें निकल जाएगा, जितना चीज़ें लगे हैं। अभी देखिए कितना मज़ा आ रहा है मूंगफली देख करके, हैं। चलिए तो चीज़ें हो जाती है तो ले जाएंगे हम, अभी कच्चा है। हाँ जी थोड़ा हाँ लेट रहा है, अभी कच्चा है। एक पक गया है, आप आगे बेचो यार। देखो देखिए ये मूंगफली का दाना, ग्रेट। ये लगभग जून में पौधा लगा था ये सारा। इसमें इस सारा पूरा खेत में मूंगफली लगा हुआ है, टोटली खेत में मूंगफली लगा हुआ है। तो हम ज़्यादा इसमें नहीं घूमेंगे क्योंकि मूंगफली का नुकसान होगा, हम दूर से ही दिखा रहे हैं। लेकिन मैं सबको कहता हूँ कि इंटर क्रॉपिंग करिए, और बिल्कुल कमर्शियल फार्मिंग इसी को कहते हैं कि एक के साथ दो दो चीज़ें। लोग एक ट्रेडिशनल फार्मिंग करते आ रहे हैं, गेहूं बो दिया तो गेहूं, चना बो दिया चना, सरसों, इसमें गेहूं भी बो सकते हैं, सरसों भी बो सकते हैं, चना भी बो सकते हैं, वो हर फसल को लगा सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पानी लॉगिंग कराने की, होल्ड कराने की ज़रूरत नहीं है, धान की फसल छोड़ करके। तो आप ये सारे फसलें लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे आयुर्वेदिक फसलें हैं, महंगी महंगी उसका रिटर्न है, वो सब चीज़ आप लगा सकते हैं। चलिए थैंक यू।